हेलो फ्रेंड, मैं कुमार शर्मा, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज लेके आए हैं ऐसे प्लांट को, जो प्लांट हम अक्सर ठंड के टाइम में लगाते हैं, ठंड जब स्टार्ट हो रहा होता है उस प्लांट को लगाते हैं। तो ये जो प्लांट अभी लेके आया हूँ मैं, इसका नाम गुलमेहंदी या फिर बालसम बोलते हैं हम लोग। तो ये प्लांट जो है हम आज लगाने वाले हैं। अभी इसका सीज़न आ चुका है, सही टाइम आ चुका है, इसी टाइम में आप इसको आपको लगाना चाहिए, ताकि जो है जब टाइम पीक पे रहे उस समय आपका फूल जो है वो फूलने लगे। क्योंकि अगर आप लेट से लगाओगे प्लांट को तो क्या होगा, जब तक मैं सीज़न आप आएगा आप लगाना स्टार्ट करोगे वो सीज़न जा चुका होगा, मतलब एंड में आपका फूल फलेगा। इसीलिए आपको पहले से ही उस प्लांट को लगा लेना चाहिए, ताकि सही टाइम पे आपका फूल जो है फलना स्टार्ट हो जाए। तो आज हम इस प्लांट को लगाने वाले हैं। तो लगाने के लिए सिंपली हमें एक गमला चाहिए होगा, पॉट, क्योंकि ज़्यादा बड़ा प्लांट नहीं होता। तो इसमें इसके लिए हमें एक छोटा सा यहाँ पे पॉट ले लिया हमने। तो इस पॉट में हम जो क्या करेंगे, इसमें मिट्टी एंड जो कंपोस्ट है मैंने मिक्स कर रखा है ऑलरेडी, ये देख पाओगे आप। तो इस मिट्टी और कंपोस्ट को हम इसमें फिल करेंगे। तो चलिए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं इसको लगाना के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले इसे फिल कर लेंगे, आधा इसे भर लेंगे। ये मिट्टी और कंपोस्ट इसमें मिक्स है, मैंने ऑलरेडी इसमें मिक्स कर रखा है, ताकि हमें जब मिट्टी बाद में चेंज ना करना पड़े। एक ही बार हम इसको लगा देंगे तो क्या होगा, ये पूरा सीजन जो है वो इसमें फूल देगा, क्योंकि ये तो सीजनली फूल होता है, सीजन में ही फिर फलता है। ऐसा तो नहीं कि आपका सो प्लांट है तो फिर हमेशा रहेगा, तो इसलिए एक सीजन के लिए ही ये फूल लगाया जा रहा है। तो उसके बाद जब चेंज हो जाएगा तो फिर मिट्टी को हम इसमें चेंज कर लेंगे, इसलिए एक सीजन के लिए हम इसमें लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देख पाओगे आधा से ज़्यादा मिट्टी इसमें फिल कर लेना है हमें, उसके बाद हमें इस प्लांट को इसमें लगा देना। ये जो गुलमेहंदी होता है ये अलग अलग कलर में आते हैं, तो ये फ़िलहाल इसमें मुझे नहीं पता कि कौन सा कलर है, लेकिन मैं जो लगा रहा हूँ इसमें दो तीन कलर ही होते हैं, ब्लू होता है, पिंक होता है, रेड होता है, तो ब्लू मिक्स होता है, बैगनी टाइप का कलर होता है। तो इसमें से यही तीन में से कोई एक कलर होने वाला है, तो कौन सा कलर होगा वो भी हम देखेंगे। तो मैं इसका कैरी बैग जो है प्लास्टिक, इसे कट कर लेता हूँ। तो इसे कट कर लिया और इसे हम उस पॉट में लगाएंगे। और यहाँ जो सीजनली प्लांट है इसलिए मैं इसका मिट्टी नहीं हटाऊंगा, क्योंकि अक्सर प्लांट में जो क्या होता है, मैं उसका 50% मिट्टी जो है वो हटा लेता हूँ। जो भी प्लांट लाता हूँ ना, तो उसका लगभग नीचे का पार्ट जो है वो 50% मैं हटा लेता हूँ, यहाँ से इसका कट कर देता हूँ चारों साइड से। लेकिन इसमें नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो सीजनली प्लांट है, मिट्टी इसमें ज़्यादा दिन नहीं हुआ होगा इसका, जब इस नर्सरी में जो लगाया गया होगा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, बहुत कम टाइम में ही इसे लगा दिया गया होगा। तो चलिए इसको हम लगाते हैं। तो लगाने के लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, उस गमले में इसे रख देना है बीच में। तो कुछ इस तरीके का हम देख पा रहे हैं, हमने इसे लगा दिया बीच में। और अब क्या करना है, चारों साइड से इसे मिट्टी हमें दे देना है। तो इसमें मिट्टी नहीं हटाना है, क्योंकि आपका जो सीजनली प्लांट में होता है, मिट्टी नहीं भी हटाओगे तब भी चलेगा। बाकी जो हम सो प्लांट वगैरह लगाते हैं जो लंबे टाइम के लिए रहता है, तो उसमें हमें मिट्टी हटाना पड़ता है, जो कि मैंने बहुत सारे प्लांट में बताया भी है इस चैनल पे, जितने वीडियो मैंने अपलोड किए सब में बताता हूँ कि किस तरीके से लगाना चाहिए। जब भी कोई मैं प्लांट लगाने के लिए आपको बताता हूँ तो उसमें ये भी बताता हूँ कि तरीका क्या है लगाने का। लेकिन इस प्लांट में क्या है कि आपको कोई ऐसा मिट्टी जो है हटाने का ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है, नहीं भी हटाओगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ही सीज़न के लिए ये प्लांट होता है। और इस प्लांट में क्या है कि खास बात, पानी आपको ज़्यादा नहीं देना है, बहुत कम पानी इसमें अब्जॉर्ब करता है, क्योंकि इसके तना में ऑलरेडी पानी बहुत रहता है, इसके गाछ में जो है ना, इसके बहुत सारा पानी इसमें रहता है, इसलिए ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सीजनली बारिश का जब ख़त्म हो रहा होता तब ये प्लांट लगता है। जब बारिश जब समाप्त होने वाला होता है, ठंड का टाइम आने लगता है, उस समय इस प्लांट को हम लगाते हैं। तो अभी टाइम सही टाइम है इसे लगाने का। तो यहाँ पे देख पाओगे हमने इसे जो है चारों साइड से लगा दिया। और इसका जो है मैं आगे चल के ये भी बताऊंगा, जब इसमें फूल फलने लगेगा, अभी तो फूल नहीं फल रहा है और मैं आपको फूल दिखा भी नहीं सकता, जब इसमें फूल फलने लगेगा तो मैं इसका एक और वीडियो बना के मैं अपलोड करूँगा। फिलहाल हम देख रहे हैं कि यह प्लांट जो है किस तरीके से लगाना चाहिए और कब लगाना चाहिए, हमने समझ लिया। जब फूल फलेगा तो उसका वीडियो बनाऊँगा, और उसके फूल जब फल के जब इसमें बीज हो जाएगा तो बीज वाला वीडियो बताऊँगा कि किस तरह आप इसका बीज रख सकते हो, ताकि ये नेक्स्ट ईयर आपको काम दे वो। क्योंकि आप खुद से अगर बीज से अगर गाछ चाहते हो तो उसका भी मैं प्रोसेस बताऊंगा। इस प्लांट का जो गुलमेहंदी प्लांट आज आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ सफिशियंट है, इतना मिट्टी, ज़्यादा मिट्टी नहीं चाहिए इस प्लांट में। तो यहाँ पर देख पाएंगे इतना मिट्टी ये काफ़ी है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, वाटरिंग यानी पानी दे देते हैं इस प्लांट में। इसे साइड करता हूँ मैं, अब इस प्लांट में जो है हमें वाटरिंग पानी दे देना है। तो पानी देना है तो ज़्यादा हैवी वाटरिंग नहीं करना है, ज़्यादा पानी नहीं देना है। तो चलो यहाँ पे हम इस तरह से पानी दे दिए, देखो
बस इतना सफिशियंट है और पानी नहीं लगेगा इसमें क्योंकि इससे ज़्यादा पानी का नीड नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक प्लांट हमारा कंप्लीट हो चुका है, अभी पानी अब्जॉर्ब करेगा, नहीं अब्जॉर्ब नहीं किया है, नीचे तक ये अब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे ये जो एक प्लांट हमारा कंप्लीट हो गया। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में फिर से कोई नए प्लांट के साथ। अगर आपको कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो, देन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। अगर इस चैनल पे आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे हम नए नए वीडियो लाते रहते हैं, प्लांट्स रिलेटेड हर वीडियो जो होता है कुछ नया होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कोई नए प्लांट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।